नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोलीव एल सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, कोलीव एल सिरप को कैसे लेना चाहिए और कोलीव एल सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि कोलीव एल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में कोलीव एल सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। कोलीव एल सिरप का उपयोग फैटी लिवर होने पर किया जाता है। फैटी लिवर होने पर लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है और लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से लिवर की कार्यप्रणाली बिगड़ सकती है और लिवर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। कोलीव एल सिरप लिवर में जमा कोलेस्ट्रॉल और फैट को कम करती है और लिवर की कार्यप्रणाली को अच्छा बनाती है। कभी कभी डॉक्टर कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए भी कोलीव एल सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। कोलीव एल एक ब्रांड नेम है। कोलीव एल सिरप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ट्राइकोलिन सिट्रेट और सोर्बिटोल होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोलीव एल सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। कोलीव एल सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर कोलीव एल 10 मिलीलीटर सिरप से लेकर कोलीव एल 20 मिलीलीटर सिरप को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। कोलीव एल सिरप की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको कोलीव एल सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना कोलीव एल सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोलीव एल सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में कोलीव एल सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में कोलीव एल सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट से गैस निकलना, मुंह में सूखापन और नींद अधिक आना आदि साइड इफेक्ट्स कोलीव एल सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोलीव एल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में कोलीव एल सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। कोलीव एल सिरप को लेने के बाद आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और कोलीव एल सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोलीव एल सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों की मानसिक सतर्कता कम हो सकती है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं कोलीव एल सिरप को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए कोलीव एल सिरप का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोलीव एल सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोलीव एल सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोलीव एल सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।